खबरों की नई पहचान। जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक 7 माह के बच्चे की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। घटना सरायडेला थाना क्षेत्र के सहयोगी नगर स्थित एक निजी चिल्ड्रेन अस्पताल की है। घटना की सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी निरंजन तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्हें परिजनों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बाद में किसी तरह समझा बुझाकर मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड की देखरेख में पोस्टमार्टम करवाने की शर्तों पर परिजनों ने शव को उठाने दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के दीनबंधु मंडल, जो की पेशे से धनबाद सिविल कोर्ट के वकील हैं, अपने 7 माह के पुत्र को सर्दी खांसी होने पर देर रात उक्त अस्पताल में भर्ती करवाया था। परिजनों ने आरोप लगाया, नित्यानंद ने बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण किया और आश्वासन दिया कि सुबह तक स्वस्थ हो जाएगा। इसी बीच NICU में कई दफा ऑक्सीजन ठीक से नहीं चलने की शिकायत नर्स से की गई, जिस पर परिजनों को डपट दिया गया। अगले सुबह बच्चे की जान चली गई, जिस पर परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ पुलिस को कम्प्लेन किया। मौका देख अस्पताल के चिकित्सक और कर्मी खिसक गए। परिजन आरोपी चिकित्सक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। बाद में स्थानीय समाज सेवी ने किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर बच्चे के शव को अस्पताल परिसर से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने में पुलिस की मदद की। पार्टनर देवेंद्र तिवारी ने कहा कि क्रिटिकल कंडीशन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, उसे निमोनिया थी। इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है और हर तरह की जांच के लिए तैयार है। जबकि थानेदार निरंजन तिवारी ने बताया कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। खांसी और सर्दी थोड़ा बहुत उल्टी किया तो हम रात 12:30-1 बजे पहुँचे, तो बच्चे को देख कर डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, थोड़ा सांस लेने प्रॉब्लम है, उसका ऑक्सीजन दे देंगे और ताल दे देंगे तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, एडमिट कर लिया। एडमिट के बाद ऑक्सीजन पूरा बढ़ गया तो हम नर्स को, जब मेरा भाई बोलने गए तो बोला नौटंकी तुम लोग करने आया है, तुम लोग इलाज नहीं कराने आए। फिर हम लोग को बाहर कर दिए, फिर देखा कि वो देख, फिर हम लोग ले गए जब रस्ते तो देखा हाँ बढ़ा हुआ था, फिर उसको पानी ऊपर फेंक रहा था, फिर उसको कंट्रोल में किया। फिर उसके बाद सवेरे फिर तो बच्चा एकदम ठीक था, फिर हम लोग क्या किया एकदम डाउन हो गया ऑक्सीजन, तो हम लोग फिर बोले देखिए ऑक्सीजन उसका डाउन हो गया, तो फिर बोले तुम लोग बार बार हम लोग परेशान करने के लिए आया है। फिर उसको ले गए जब उसको, फिर उन लोग खोल के ऑक्सीजन और बाथरूम में चल गया। बाथरूम में खोल के आने के बाद फिर देख रहा बच्चा का सांस बंद हो गया, इनको लापरवाही से जान से मार दिया इनको। कौन डॉक्टर था उस वक्त ड्यूटी में? उस समय बोल रहा था डॉक्टर आर सरकार है, रात को जब हमें एडमिट किए थे। बच्चा का डॉक्टर था? बोले डॉक्टर नित्यानंद को भी बुलाए थे, वो देखे थे, देख के चला गया। पोस्टमार्टम कराई जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।